फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नील आलोक क्रिएशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और उससे पहले नवरात्र आता है। तो नवरात्र में भी आपको कलर्स की ज़रूरत होती है, तो मैं आज आपको कलर्स डेकोरेट करना सिखाती हूँ। चाहे तो इस कलर्स को आप अगोई पे यूज कर सकते हैं, चाहे करवा चौथ पे यूज कर सकते हैं, पर सबसे पहले नवरात्र होने वाले हैं तो आपको मैं ये डेकोरेट करना सिखाती हूँ। ये मैंने करवा लिया है जिसको मैंने पहले से ही रेड कलर करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये ड्राई नहीं होगा तो हम इसके ऊपर डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी रेड कलर करके रखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सबसे पहले येलो कलर ले रही हूँ और येलो कलर से मैं इसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग कर रही हूँ। ध्यान रहे, जब आप कलर कर रहे हो आपके ब्रश में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कलर पानी को छोड़ता हुआ चलता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इसी तरह से मैं एक लाइन नीचे से ले रही हूँ। कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैं डिजाइन चेंज करी। पहले येलो कलर से मैं इसके ढक्कन के ऊपर भी यही, कवर के ऊपर भी यही डिजाइन बना लेती हूँ। आप कुछ भी डिजाइन इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं कलर के साथ डायरेक्ट।
ऊपर नीचे की लाइन मैंने ऐसे ही छोड़ दी है, केवल मैंने सेंटर में यही डिजाइन बनाया है। मैं इस पत्ते के बीच में व्हाइट कलर का यूज कर रही हूँ। इससे क्या है, हमारी लीव्स हाईलाइट हो रही हैं। सेम डिजाइन मैं इसके कवर के ऊपर बना रही हूँ। इसका स्पेस छोटा होने के कारण मैं इसको ज्यादा डिजाइन नहीं बना सकती, पर उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बीच में मैंने व्हाइट डॉट लिया है और उसके ऊपर वही लीफ का डिजाइन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कुछ इस तरह से बीच में भी मैं व्हाइट कलर का इफेक्ट डाल रही हूँ। ये मेरा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले से भी कुछ डिजाइन बना के रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कर लेते हैं। इस पे मैंने देखिए कल एक क्ले का वर्क करा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेम इसके ऊपर भी मैंने क्ले का वर्क करा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बाकी मैंने कलर के साथ इसे फ्लावर का डिजाइन बनाया हुआ है, ये भी सेम है फ्लावर के डिजाइन के साथ। इस पे कुछ मैंने इस तरह का डिजाइन बनाया है, ये देखिए यहाँ भी मैंने फूल और स्टिक्स का
यहाँ भी लहर है, फ्लावर का डिजाइन। इस पे मैंने फ्लावर के साथ लीफ का इफेक्ट दिया है। और यहाँ मैंने कुछ नीचे से इसका बेस में मतलब लोटस वाला इफेक्ट दिया है। सेम इसका कवर है ये, और ये इसका डिजाइन है। वहां मैंने ऊपर से दिया है, यहाँ थोड़ा मैंने इसमें ऑरेंज का टेक्सचर देते हुए हर के साथ सेम ढक्कन मैंने बनाया हुआ है। इसके ऊपर मैंने 3D आउटलाइनर का इफेक्ट दिया है कुछ। यहाँ भी मैंने थोड़ा जिगजैग वाला डिजाइन है, और ये सेम मैं बस कलर कंट्रास्ट चेंज है थोड़ा सा, मैंने वही लोटस वाला इफेक्ट दिया है इसमें। अब आप देख सकते हैं मेरा पूरा सामान पूरा रेडी है अच्छे से। थैंक यू ऑल। इधर घुमा थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये मेरे सारे कर्वे रेडी है। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई YouTube चैनल। थैंक यू।